जम्मू कश्मीर में हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब छोटे छोटे बच्चों से आजादी के नारे लगवाए जा रहे हैं। उनके दिमाग में इतना जहर भर दिया गया है कि वो हिंदुस्तान को अपना दुश्मन और चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ बातचीत करते भारतीय टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। एक वीडियो में महज तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे चीन पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के साथ बातचीत करते भारतीय टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। एक वीडियो में महज तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे कश्मीर की आजादी के नारे लगा रहे हैं। हम क्या चाहते आजादी और मिलेगी आजादी क्यों न मिलेगी आजादी हम लेकर रहेंगे आजादी ये जंग है जंगे आजादी है जंग जबकि दूसरे वीडियो में ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। टूरिस्ट इन बच्चों से पूछता है कि आजादी का मतलब क्या है, तो वो आजादी के मायने बताने हम क्या चाहते जब कश्मीर होगा आजादी हम क्या करेंगे जो है वो मारते हैं ना हमारी फौज को हमारी भाई हमारी फौज है एचएम मिठाई तो वो मतलब उस आजादी से होगा क्या फायदा क्या आप जैसे हो हम भी जाते हैं फिर बाहर तू जैसे हम आज काम करते हैं यहाँ पर पूरे हम भी आएंगे हम भी काम करेंगे। और फिर ये बच्चे कहते हैं कि कश्मीर भारत में नहीं जाना चाहिए, तो टूरिस्ट कहता है कि कश्मीर तो पहले से ही भारत का अभिन्न अंग है। इससे साफ हो गया कि मासूमों को ये तालीम नहीं दी गई कि कश्मीर भारत का अंग है, इन्हें कुछ पता ही नहीं। वीडियो में बच्चे कह रहे हैं कि भारत हमारी फौज को मार रहा है। जब इनसे पूछा गया कि इनकी फौज कौन सी है तो कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन। तो जानकारी छोटे छोटे बच्चों को इससे साफ जाहिर है। इससे एक बार फिर ये बात साफ हो गई कि इन्हें आतंक की भाषा सिखाई और पढ़ाई जा रही है। मेरा भाई तो नहीं मैंने तो फाइन अरे मैंने तो MBA कराया फाइनल के फाइनल के फाइनल अभी नौकरी नहीं मिला। मैं खुद का काम कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ खुद का। हमारे घर वाले खेती करते हैं जैसे आप लोग खेती करते हैं आप सेब उगाते हो हम अनाज उगाते हैं तो उसमें तो आजादी की क्या दिक्कत है। तो मतलब ये इलेक्शन सिलेक्शन ये होना चाहिए ये इलेक्शन है ना जो जब भारत जीतता है वो बनाता है वो है ना नहीं मानता जो ये कश्मीर जाएगा फिर